हेलो फ्रेंड, धन निरंकार जी। आज मैं व्रत के लिए आपको पनीर की सब्जी बना के बताऊंगी। तो इसे बनाने के लिए चलिए हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में हम देसी घी डालेंगे। कढ़ाई हमारा एकदम गर्म हो गया है। एक हरी मिर्च है, मैंने इसे कट करके लिया हुआ है। ये आधा चम्मच जीरा है और ये मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर का प्यूरी बना के रखा है, इसे मैं डालूंगी। ये भुना जीरा है एक चम्मच। व्रत वाला सेंधा नमक है आधा चम्मच। आप नमक अपने अनुसार डाल सकती हैं। थोड़ी देर से टमाटर की प्यूरी को मैं भूनूंगी। टमाटर हमारा भून चुका है। इसमें मैं 200 ग्राम पनीर ले लिया हूँ, इसे ऐड करूंगी। अच्छे से मिक्स करूंगी। इसमें मैं जरा सा पानी ऐड करूंगी। अच्छे से इसे थोड़ा सा पकने दूंगी। ये थोड़े से मखाने को मैंने रोस्ट करके मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। अब मैं इसे ऐड करूंगी इसमें और अच्छे से मिक्स करूंगी। इसे मैं ढक के 2-3 मिनट पकाऊंगी। हो गया है। अब मैं खोल कर इसे चेक करती हूँ। देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी हो गई है। हमारी सब्जी एकदम बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए एकदम टेस्टी टेस्टी व्रत वाली सब्जी बन के तैयार है। तो लाइक करिएगा इसे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।